बेटा बैंक की नौकरी सबसे भली होती है। टाइम से जाओ, दिन भर एसी में बैठकर काम करो और टाइम से घर आ जाओ। जब मैं बड़ी हो रही थी और मीडिया में काम करने की बात करती थी तो कई बार मुझसे ये बात कही जाती थी। इंडिया में बैंक जॉब्स वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स है। यही कारण है कि बहुत से लोग कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ बैंकिंग एग्जाम की तैयारियों में जुट जाते हैं। पर आपको पता है, इंडिया में बैंक की कई नौकरियां ऐसी भी हैं जिनके लिए एग्जाम नहीं देना पड़ता है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोशमन। बैंकिंग में जाने का एक रास्ता एग्जाम से होकर गुजरता है, बैंकों के अलग अलग एग्जाम्स या फिर IBPS का एग्जाम। बैंकों में ज्यादातर हायरिंग इन्हीं एग्जाम के जरिए होती है, क्योंकि एग्जाम का पेपर इस तरह से तैयार किया जाता है कि उसमें कैंडिडेट्स की जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग स्किल्स का अच्छे से पता चल जाता है। पर बैंकिंग में भी कुछ ऐसी फील्ड्स होते हैं जिनके लिए एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, बैंकों में भर्ती के लिए जो एग्जाम होते हैं वो अमूमन एंट्री लेवल के लिए या फिर रिटेल बैंकिंग के लिए होते हैं। रिटेल बैंकिंग मतलब बैंकिंग की वो सारी सर्विसेज जो एक आम इंडिविजुअल यूजर बैंक में ले सकता है। पर जिस तरह एक घर को केवल पैसा कमाने वाला सदस्य नहीं चला सकता, उसी तरह बैंक को चलाने के लिए बैंकर्स के साथ साथ दूसरे एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। बैंकों में काम करने वाले ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग हों या सिस्टम इंजीनियर्स, ये कहलाते हैं बैंक्स के स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स। वैसे तो IBPS अलग अलग बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पर कई मामलों में बैंक्स इन स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती अपने हिसाब से करते हैं। SBI भी इनके लिए लेटरल हायरिंग प्रोग्राम चलाता है। लेटरल हायरिंग मतलब ऐसे लोगों की भर्ती जो कहीं और काम कर रहे हैं और जिनकी एक्सपर्टीज बैंक के काम आ सकती है। इसके तहत बैंक्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनालिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, रिस्क रेटर्स, इकोनॉमिस्ट, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मेडिकल ऑफिसर्स, इन सब की भर्ती होती है। इन प्रोफाइल पर भर्ती के लिए बैंक्स एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। इसके बाद कैंडिडेट्स का ऑनलाइन टेस्ट होता है। इस टेस्ट के बाद इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन। पर अगर नंबर ऑफ पोस्ट से कम लोगों ने अप्लाई किया हो या उतने ही लोगों ने अप्लाई किया हो तो सीधे इंटरव्यू के आधार पर भी हायरिंग कर लेते हैं ये बैंक्स। बिना एग्जाम दिए बैंकिंग सेक्टर में काम करना है तो दूसरा ऑप्शन है प्राइवेट बैंकों में जॉब्स का। इसके लिए ICICI, HDFC या एक्सिस जैसे प्राइवेट बैंक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के करियर सेक्शन में जा सकते हैं। यहाँ आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस किस प्रोफाइल पर बैंक हायर कर रहे हैं। जैसे इस स्क्रिप्ट को लिखते हुए जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि ICICI बैंक सेल्स रिलेशनशिप मैनेजर और बैंकिंग के लिए बड़े लेवल पर हायरिंग कर रहा है। इसी तरह HDFC बैंक एक फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम चलाता है। इसके तहत बैंकिंग में जाने में इंटरेस्ट लेने वाले फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिटेल बैंकिंग से जुड़ा सारा काम सिखाया जाता है। रिटेल बैंकिंग यानी एक आम यूजर से जुड़ी बैंकिंग का सारा प्रोसेस। इस प्रोग्राम के सिलेक्शन के बाद बैंक जॉब अपॉर्चुनिटी भी देता है। यहाँ ध्यान रखें कि आपको किसी भी बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है, वरना ऑनलाइन ठगों के चंगुल में आने का खतरा होता है। अगर मैं कहूँ मुझे तुमसे अगर मैं कहूँ कि आप अगर IIM या फिर किसी अच्छे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि बैंक्स मैनेजमेंट ट्रेनी के तौर पर हायर कर रहे और फिर अच्छा पोस्ट और पैसा देकर आपको अपने यहीं रख ले। SBI अपने और अपने अंडर आने वाले बैंकों के लिए इस तरह मैनेजमेंट ट्रेनीज की भर्ती करता है। SBI के करियर पोर्टल पर लिखा है कि इकोनॉमी के ओपन होने और प्राइवेट बैंक्स के आने से बैंकिंग सिनारियों में बड़ा बदलाव आया है। बैंकिंग अब मार्केट ड्रिवन हो गया है, ऐसे में ग्राहकों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए और कंपटीशन में बने रहने के लिए जरूरी है कि बैंक आम बैंकिंग सर्विसेज से ज्यादा ऑफर करे। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग जरूरी है। इसी के लिए बैंक IIM और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूट से मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को हायर करते हैं।
SBI ऐसे कैंडिडेट्स को पहले साल मैनेजमेंट ट्रेनी और दूसरे साल से असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की प्रोफाइल ऑफर करता है। जाहिर है पैसे भी अच्छे ही मिलते हैं। इनके अलावा भी अलग अलग बैंक्स अलग अलग समय पर अपनी जरूरत के हिसाब से वैकेंसीज निकालते हैं। ये भर्तियां एग्जाम के बाद भी खाली रह गई पोस्ट के लिए भी हो सकती हैं या फिर बैंकों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के लिए भी। इन भर्तियों के लिए बैंक्स अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एड निकालते रहते हैं। कई मामलों में एड्स अखबारों में भी छपे होते हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े दूसरे फील्ड्स में जाना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप बैंक्स की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहे, देखते रहे कि जो वैकेंसीज आ रही हैं उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ये देखें उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए अगर टेस्ट होने की बात लिखी है तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो अगर आपने बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का मन बना लिया है तो बैंक्स की वेबसाइट पर जॉब अपॉर्चुनिटी खोजना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले कौन सा बैंक देखेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए जोश मनी।